अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिजरत कॉलोनी में और आपको मैं एक चीज बड़ा अनोखा गेम दिखाने जा रहा हूँ और ये पश्तो गेम है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पूछूंगा। मेरे साथ भाई मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं ये गेम को क्या कहते हैं और ये किस तरह से खेला जाता है भाई? इसको मुखा कहते हैं और ये सकाफती खेल है जी, पठानों का सकाफती खेल है, एक अच्छे से खेला जाता है। तो ये बाकी इलाकों में तो तकरीबन ख़त्म है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मुनेर में और सवाबी में और डिस्ट्रिक्ट मरदान में केबी के साइड में, वहाँ पे खेला जाता है। और यहाँ कराची में हम खेलते हैं। कराची में कहाँ कहाँ खेल रहे हैं? कराची में यहाँ भी खेल लेते हैं, ये हिजरत कॉलोनी में। ये मतलब इस तरह होता है ना, जो जीतता है वो अगले साल मुनाकिद करता है, जो कॉलोनी जीतती है टूर्नामेंट जो जीतेगी वो अगले साल करेगी, वो मुनाकिद कराएंगे टूर्नामेंट इसका। ठीक है, इस तरह का हमने रूल बनाया हुआ है। तो इसमें कोई टीमें वगैरह होती हैं आपकी हर साल? ये हर साल टीमें होती है, 40-45 टीमें खेलती हैं। जी, इतनी टीमें खेलती हैं। तो ये कोई सरकारी सतह पे मुनक्कित होता है क्या? नहीं, ये हम खुद ही कराते हैं, अपने तौर पे कराते हैं, सरकारी सतह पे नहीं होता। गवर्नमेंट से कई दफा हुआ है कि इसके लिए मैदान पूरी जगह एक बना के देंगे और ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम अपने तौर पे करते हैं इसको, अपने आपके दर्ज करते हैं, मुनक्कित कराते हैं और इस तरह ये जगह मिली हुई है थोड़ी सी, तो इसी में हम ये कराते हैं। तो आगे काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए, पहले आपने अल्लाह गुल्ला देख लिया है, एक टीम के कैप्टन से हमने आपकी बात कराई है और यहाँ पर मेरे पीछे देखें ढोल ताशे वाले भी मौजूद है। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारे साथ एक टीम के कैप्टन मौजूद हैं और ये तैयारी के लिए जा रहे हैं। और ये क्या है भाई, क्या कर रहे हैं? ये इसमें ये अभी लगाएंगे, ये लोहे का एक बना। अच्छा, ये लोहे का ये बना होता है, ये कितना भारी होता है? ये होता है 165-170 ग्राम का होता है। 165-170 ग्राम का, तो इसमें तो जान लगानी पड़ती होगी। तो इसमें ये जो रबड़ लगा होता है ना, जोर इसी का लगता है। कैसा रबड़ है वो? जानदार है, जानदार है। रबड़ भी दिखाया हमें, ट्राई करा देंगे, अब चेक भी कर लेंगे। ओहो, देखिए दोस्तों, ये वाला इसमें रबड़ मौजूद है। और ये कौन सा है, वो बस के टायर वगैरह? नहीं, ये अलग किस्म का होता है, ये अलग किस्म का रबड़ होता है, अलग किस्म, इसमें लचक ज्यादा होती है। तो हमें फिर इस पे एक रेडी करके दिखाएं, हमें बना के दिखाएं किस तरह का ये तीर कमान तैयार होगा। और टीम के कैप्टन इसको तैयार कर रहे हैं, इसको लगा लिया है और साथ साथ आप पीछे ढोल बजते हुए दिख रहे हैं। और काफी जान लगानी पड़ी है इसके अंदर, जान लगाने के बाद इसे तैयार कर लिया गया है। तैयार है, इसे हम निशाना लगाते हैं, यूं बाल लगा के, इसके साथ लगा के ना, तो खींच के फिर इसमें निशाना लगता है। ठीक है, तो चलें निशाने के लिए चलें क्या? اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ابھی آپ نے پشتو میں بولا ہے، یہ ذرا اردو میں کر کے دکھائیں کہ بولا کیا ان کو. یہ ہم اردو اتنا اردو نہیں سمجھتے، اتنا اردو ہم صحیح نہیں. तो दुआ के बाद अब गेम स्टार्ट होने चला है। अब हम गेम की तरफ जा रहे हैं और आपको दोबारा से दिखाएंगे कि क्या हल्ला गुल्ला यहाँ पर मौजूद है। देखें, शहनाई बजना शुरू हो चुकी है, इधर बैठ जाओ, बस रिकॉर्डिंग कर लो। शहनाई बजना हो चुकी है और ये इंडिकेट है कि गेम शुरू होने लगा है। और ये पाकिस्तानी तराना, Thank you.
वो निशाने की जगह है जहाँ पर टारगेट सेट किया जा रहा है निशाना लगाने के लिए, और भाई ने निशाना लगा दिया है जबरदस्त, और गेम शुरू होने चला है। पहला तीर यहाँ पर चलने लगा है, तो वह मैं आपको दिखाता चलूं, टीम प्लेयर के करीब जा रहा हूँ, और शुरू होने से पहले यहाँ पर उसकी चेकिंग की जाती है, यहाँ पर कमान में तीर जाने से पहले उसकी चेकिंग की जाती है, और उसके आगे एक लोहे का हुक लगा हुआ है, और मुकाबला शुरू होने से पहले तीर की चेकिंग की जा रही है, कमान में जाने से पहले उसको देखा जा रहा है कि वो किस तरह से काम करेगा। टीम कैप्टन या पहला निशाना लगाने के लिए, भाई ये क्या है, ये क्या चीज बना रहे हैं, घुटना रखते हैं ना, अच्छा ये घुटना रखेंगे, और इसके ऊपर घुटना रखने के लिए आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक पगड़ी सी बना दी है, और कैप्टन ने मट्टी ली है, और मट्टी लेने के चिकनाहट खत्म करने की कोशिश की जा रही है। काफी लंबा तीर, क्या इसकी लंबान होती होगी तीर की, ये सवा सात फीट का ये तीर है, और कैप्टन बिल्कुल तैयार है, कमान दे दी गई है और पहला निशाना लगने के लिए तैयार। रेफरी के हमरा यहाँ पर पहला प्लेयर मौजूद है पहला निशाना लगाने के लिए, कमान को खींच लिया गया है, एक मखसूस अंदाज है इसका, मखसूस अंदाज से ऊपर करके, और पहला निशाना जबरदस्त, देखा आपने किस तरह पहला निशाना बिल्कुल सटीक निशाने पर, और गले मिले जा रहे हैं, खुशी का एक माहौल हो गया कि पहला ही निशाना पहले ही बार में, कप्तान का पहला निशाना पहले ही बार पर लिखा जा रहा है, सलार जई लोबाड़ी कप्तान ताहिर अहमद ये मुखालिफ टीम से जो पहला निशाना लगा के गए कैप्टन, उनकी मुखालिफ टीम से दूसरा बंदा मौजूद है, और तीर की देखभाल की जा रही है, देखा जा रहा है कि उसको कितना सीधा है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और एक मखसूस रेत से उसको लादा जा रहा है, और निशाना बिल्कुल ठीक करने के लिए उसको अच्छी तरह से उसकी चेकिंग की जा रही है, सर्च किया जा रहा है ताकि निशाना बिल्कुल फिट जगह पर जाए और बिल्कुल सटीक जगह पर जाए, और कमान दे दी गई है, तीर प्लेयर के हाथ में है, दूसरा निशाना इस गेम का यहां पर चलने लगा है, चेकिंग की जा रही है कमान की, निशाने के लिए टांग को पगड़ी के सहारे से टिका दिया गया है, और प्लेयर परेशान हो जाए इसलिए हमें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो बोले, और ये निशाना लगाने के लिए तैयार, Right.
बिल्कुल निशाने पे तीर लगाया है, बिल्कुल निशाने पे तीर। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग देखने आते हैं, उस तरफ ख़वातीन की बड़ी तादाद बैठी हुई है। यहाँ पर कमेंटेटर मौजूद हैं और इस तरफ बिल्कुल इसी के सामने आप देखेंगे कि वो तीरंदाजी की जा रही है और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही मज़ा आ रहा है उसको देखने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर दूसरे प्लेयर की तैयारी की जा रही है, बड़ी तादाद मौजूद। हाँ भाई कहाँ से आए हो देखने? और बच्चा शर्मा गया। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या यहाँ निशाना लगाने आए? ये आपके हाथ में पूरी तीर और मैं कमान देख रहा हूँ, निशाना लगाने आए या बेटे के साथ है? निशाने वाले कल आते हैं, निशाने वाले की तैयारी करने के लिए मौजूद है। कोच हैं आप? कोच हैं? वाह 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 वाह, कोच हैं। तुम क्या यहीं रहते हो? तो क्या निशाने लगाने आए? तुम्हारी टीम है, कौन सी टीम है भाई? हिजरत कॉलोनी वाले। हिजरत कॉलोनी की टीम यहाँ मौजूद है, तो खेल नहीं रहे टीम से? सपोर्टर हैं, हिजरत कॉलोनी की टीम के सपोर्टर यहाँ पर भाई मौजूद हैं और अपनी टीम को हाथ दिला देंगे। जरा सा हाथ दिला दें भाई अपनी टीम को, वह हाथ भी हिला दिया भाई। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।